हमले के बाद बिल्डिंग में रह रहे लोगों के घायल होने की खबर है। राहत कर्मियों को बिल्डिंग से घायलों को निकालते देखा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का प्रचंड तांडव। रिहायशी इमारतों पर रॉकेट से हो रहे हैं हमले। हमले के बाद एक रिहायशी इमारत धधकती हुई दिखाई दी। हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन के कीव में तबाही की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। रिहायशी इमारत पर हुए रॉकेट हमले में इमारत की 16 मंजिल से ऊपर के कई फ्लोर्स के फ्लैट ध्वस्त। पास की इमारत से बनाया गया है वीडियो। हालांकि इमारत खाली बताई जा रही है, जिसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए थोड़ी थोड़ी देर में कीव में बज रहे हैं सायरन। रिहायशी इमारतों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच रूस ने दावा किया है कि वो किसी भी रिहायशी ठिकाने को निशाना नहीं बना रहा है। उसके निशाने पर सिर्फ सामरिक ठिकाने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी किया नया वीडियो। वीडियो के जरिए लोगों से अफवाहों में न आने को कहा। साथ ही कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। तीसरे दिन जारी जंग के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक लड़ाई में 3,500 सैनिक मारे जा चुके हैं। 200 से ज्यादा सैनिकों को बंधक बनाया गया है। युद्ध विराम के लिए पुतिन ने रखी शर्त। जेलेंस्की सत्ता छोड़े, सेना अपने कब्जे में ले सत्ता। जेलेंस्की ने प्रस्ताव ठुकराया। यूक्रेन के नाटो की सदस्यता लेने की कोशिशों से चढ़ा है रूस। कीव में बैरिस्टिका मेट्रो स्टेशन के पास जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। कई किलोमीटर दूर तक फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसके बाद मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी और कैबिनेट की बैठक यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। यूक्रेन में तनाव के बीच भारतीय मूल के छात्रों का तनाव दूर करने के लिए गीत गाते हुए अनोखा वीडियो सामने आया है। छात्र बंकर में बैठकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सोनीपत के गांव जोशी चौहान के बाद 5 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इन छात्रों ने वीडियो भेजकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट टू स्टार्ट द इवैक्यूएशन एज सून एज पॉसिबल। मैं और मेरे साथ करीब 200 से 300 स्टूडेंट्स हम लोग अभी कीव में यहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग कल यहाँ पे शाम को 4 बजे आए थे और जो पहली बॉम्बिंग हुई थी एयरपोर्ट पे शायद सुबह 6 बजे हुई थी। उसके बाद हम लोग फिर रेलवे स्टेशन से यहीं पे लाए गए। हिमाचल के सोलन जिले के 16 रेजिडेंट डॉक्टर भी यूक्रेन में फंसे हैं। इन्हीं में से एक ने सुरंग से वीडियो बनाकर माता पिता को भेजा। शाम को बंकर्स में कल भेज दिया गया था बच्चों को और वो वहीं पे ही रहे सारी रात। अब तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है जी कि भी जब वो इवैक्यूएशन करवाएंगे ग्रुप्स में करवाएंगे जैसे भी। पंजाब में बरनाला के कुंवर शर्मा और हर्षित बंसल का परिवार पल पल यूक्रेन पढ़ने आए बच्चों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से मदद की कर रहे हैं अपील। बच्चे बंकर में नीचे बैठे, इतनी सर्दी है वहाँ पे, आपको पता है वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होते हैं और वहाँ पे हजारों की तादाद भी है। वो बोल रहे थे अगर मम्मा यहाँ पे अफरा तफरी भी मच सकती है। ABP News आपको रखे आगे।